यूट्यूब पर फर्जी ऐप से पेमेंट का तरीका सीखकर तीन नाबालिगों ने गुरुवार को हरदा शहर की तीन मोबाइल दुकानों को निशाना बनाते हुए वहां से फर्जी पेमेंट ऐप के माध्यम से हजारों रुपए की मोबाइल सामग्री उड़ा ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 48 घंटों में ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी नाबालिग हैं और सीहोर जिले के हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से चार स्मार्ट वॉच, तीन ईयरबड्स, एक ट्रिमर एवं एक पावर बैंक जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना कोतवाली हरदा में एक रिपोर्ट आई थी परसों 1:30 बजे करीब, ठगी हुई थी कोर्ट के सामने ही। वहाँ पर तीन लोग आते थे जिनकी उम्र करीब 18 साल से कम थी और वो एक साई मोबाइल कंपनी के पास गए। उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट वॉच चाहिए और हमें पावर बैंक चाहिए, ईयरबड चाहिए। उन्होंने सामग्री ली और उसका जो क्यूआर कोड था उसको स्कैन किया और क्यूआर कोड इसको स्कैन करके फिर उसका नाम डाला और पेमेंट जो पेमेंट थी वो डाल दी और उसको दिखा दिया कि पेमेंट सक्सेसफुली। फिर वो लोग चले गए। जब उसके पास उसने मैसेज देखा उसके पास कोई पेमेंट नहीं आया तो उसने आवाज़ लगाई, तब तक वो तीनों लोग भाग चुके थे।